फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विमेन सेल्फ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पर। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपको करनी चाहिए और नहीं भी करनी चाहिए, क्योंकि उनमें कुछ खतरनाक चीज़ें होती हैं। इन्हीं में से एक टॉपिक है कि कई लोगों को पता होगा कि प्रेगनेंसी टाइम में उनके घर वाले मेहंदी लगाने के लिए मना करते हैं और उनके दिमाग में ये चलता है कि मेहंदी में ऐसा क्या है जो मना किया जा रहा है। तो आज हम इसी को टॉपिक को कवर करेंगे और जानेंगे कि प्रेगनेंसी टाइम में अगर आप मेहंदी का यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए या आपके होने वाले बेबी के लिए कितना खतरनाक है या कितना सेफ है। तो अगर आपको ये वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये इतना कॉमन टॉपिक है जो कि हर दूसरी तीसरी महिला से अगर आप बात करेंगे तो उनके घर वाले उस टाइम पर मेहंदी लगाने के लिए मना कर देते हैं। और उनके रीज़न भी बहुत अजीब अजीब होते हैं, जैसे कि भूत लग जाएंगे, हवा लग जाएगी, या फिर प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, मिसकरेज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये सारी बातें होती हैं। लेकिन उसके रियल रीज़न क्या होते हैं आज की वीडियो में आपको पता चलेंगे और पूरी साइंटिफिक तरीके से हम बताएंगे कि प्रेगनेंसी में मेहंदी लगाना कितना सेफ है या अनसेफ है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी आते ही जैसे ही ये खबर सबको लगती है वो तरह तरह की रोक टोक तो महिलाओं में शुरू हो ही जाती है। आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसे बैठना है, वैसे बैठना है, ऐसे चलना है, ये करना है, वो नहीं करना है। और इन्हीं में से एक होता है कि मेहंदी लगाना। कई लोगों को मना कर दिया जाता है कि प्रेगनेंसी टाइम में मेहंदी नहीं लगाना चाहिए, जबकि मेहंदी को एक शुभ संकेत माना जाता है महिलाओं के लिए। तो विशेष तौर पर सुहाग का वो क्या बोलते हैं, 16 सुहाग में से एक होता है। तो मेहंदी कुछ भी शुभ काम होता है तो मेहंदी का यूज़ किया जाता है, चाहे कोई भी कल्चर हो। मेहंदी बहुत ही अच्छी होती है और इसका यूज़ भी किया जाता है। लेकिन जब बात प्रेगनेंसी की आती है तो ऐसे टाइम में बहुत सारे लोगों के घर में ये कहा जाता है कि मेहंदी का यूज़ नहीं करना है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मेहंदी का यूज़ क्यों नहीं करना है और अगर आप इसको कर रहे हैं तो फिर कौन सी मेहंदी यूज़ करनी है और कैसे। तो फ्रेंड्स, मेहंदी जो होती है वैसे तो एक नेचुरल पत्तियां होती हैं जो कि मेहंदी के प्लांट में लगती हैं और पुराने ज़माने में उसको सीधा पौधों से तोड़ करके यूज़ की जाती थी। और नेचुरल जो मेहंदी होती है उसका कलर भी इतना डार्क नहीं होता जितना कि आजकल जो मार्केट में मिल रही है उसमें। तो आपको ये तो पता ही है कि जो आप मार्केट से जो मेहंदी लेते हैं उनमें कहीं ना कहीं केमिकल रहते हैं और इसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। कई लोगों के हाथ में फफोले हो जाते हैं या फिर स्किन एलर्जी हो जाती है या फिर किसी दूसरी तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो ऐसे में मेहंदी का यूज़ करना कितना सेफ है, कितना अनसेफ है, ये आप जान ही गए होंगे। और अब हम उन मेडिकल कंडीशंस के बारे में बात करते हैं जिनमें मेहंदी का यूज़ आपको नहीं करना है, क्योंकि मेहंदी एक वैसे तो नेचुरल प्रोडक्ट है लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनमें अगर आपको ये इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको बिल्कुल भी मेहंदी का यूज़ नहीं करना है, ये आपके लिए हार्मफुल रहेगी। तो इनमें से एक होती है हाइपर बिलुरोना बिनिमिया। तो ये एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसका जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम है और उनकी प्रेगनेंसी चल रही है तो आपको बिल्कुल भी मेहंदी का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। दूसरी होती है जिन लोगों में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रेजनेस एंजाइम की कमी होती है तो ऐसे लोगों को भी मेहंदी का यूज़ नहीं करना चाहिए और मेडिकल में ये कहा गया है। नेक्स्ट ये जो होती है जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है या फिर जिन लोगों में खून की कमी है तो ऐसे लोगों को भी मेहंदी का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे इनकी प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अब हम बात करते हैं कि फिर हमें कौन सी मेहंदी है जो यूज़ करनी चाहिए। और प्रेगनेंसी में मेहंदी ना यूज़ करने का रीज़न तो आपको पता चल गया, मेडिकल कंडीशन ही है। और अगर हम बात करें तो वो रीज़न यही होता है कि मेहंदी में जो है बहुत सारे ऐसे केमिकल्स मिला दिए जाते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। और प्रेगनेंसी टाइम में आपकी जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए इसका जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जितना हार्म आपको वैसे करती उससे कई गुना ज़्यादा वो आपको प्रेगनेंसी टाइम में कर सकती है, इसलिए मेहंदी का यूज़ करने के लिए मना किया जाता है। अब हम बात करें अगर आपको मेहंदी यूज़ ही करनी है तो फिर आप कौन सी मेहंदी यूज़ कर सकते हैं और कैसे करें। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले तो आपको 100% जो नेचुरल मेहंदी होती है, हर्बल मेहंदी होती है,
उनका यूज कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि जो पैकेट्स में आती हैं वो मेहंदी यूज कर सकते हैं क्या? अगर आपको लगता है कि वो मेहंदी 100% हर्बल है और उनमें किसी तरह का केमिकल नहीं मिला हुआ है, तो आप जो पाउडर के रूप में जो मेहंदी आती है उसका यूज कर सकते हैं। अगर आप वो भी यूज नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं? तो फिर आप घर में मेहंदी बना सकते हैं, और वो मेहंदी आपकी मेहंदी से नहीं बनती है, जो कि आपको आपके घर में शायद आपकी मम्मी दादी जो पहले बनाती थी, गुड़ और आटे को मिला करके मेहंदी या कलर मिला करके जो मेहंदी बनाई जाती थी, तो आप उस तरह की मेहंदी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई केमिकल ही नहीं है, आप घर पे बना रहे हैं और ये ज़्यादा लंबे टाइम तक चलती नहीं है, लेकिन आपका काम हो जाएगा, एक दिन के लिए आपकी मेहंदी चल जाएगी, तो आप उस तरह की मेहंदी बना करके यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई क्वेश्चन और है और इसी तरह के और कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।